एक चीनी डॉक्टर एक दिन मस्जिद में गया। वहां उसने देखा कि एक मुसलमान मुंह हाथ धो रहा है। वो मुसलमान के पास गया और पूछा कि जिस तरीके से आप मुंह हाथ धो रहे हैं, ये तरीका आपको किसने सिखाया है? मुसलमान ने जवाब दिया, हम इस तरह मुंह हाथ धोने को वजू कहते हैं और ये तरीका हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। हम दिन में 5 बार वजू करते हैं। चीनी डॉक्टर ने कहा कि मैं आपके नबी से मिलना चाहता हूँ, वो कहाँ रहते हैं? वो शख्स बोला, उनका तो 1400 साल पहले विसाल हो गया। वो बोला, मैं चीनी तरीका इलाज का माहिर डॉक्टर हूँ। हम जानते हैं कि इंसान के जिस्म में खाल के नीचे 67 मुकामात पर एक खास तरीके से मसाज किया जाता है। इससे 50 से ज्यादा बीमारियों का मौसर इलाज होता है। मैंने देखा कि आप जिस तरीके से वजू कर रहे थे, इसमें आपने वजू के दौरान जिस्म की ऐसी 62 जगहों पर हाथ से मसाज किया जहाँ कुदरत ने स्विच नष्ट कर रखे हैं, और दिन में 5 दफा वजू करने की वजह से आपकी बहुत सी बीमारियाँ खुद ब खुद गैर महसूस तौर पर आपके जिस्म से रफा होती रहती हैं, जिसका आपको पता भी नहीं चलता। मेरा ख्याल था कि जिस शख्स ने आपको वजू का ये तरीका सिखाया, वो यकीनन इंसानियत का दर्द रखने वाला एक अजीम मुहक्किक और इल्मे तिब का माहिर होगा। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हों की रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मोमिन जब वजू के दौरान कुली करता है तो इसके मुंह के गुनाह झड़ जाते हैं। जब नाक में पानी डालकर इसे झाड़ता है तो इसके नाक के गुनाह झड़ जाते हैं। जब चेहरा धोता है तो इसके चेहरे के गुनाह झड़ जाते हैं, यहाँ तक के पलकों के नीचे से भी निकल जाते हैं। जब दोनों हाथ धोता है तो इसके हाथों के गुनाह झड़ जाते हैं, यहाँ तक के नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। जब अपने सर का मसाह करता है तो इसके सर के गुनाह झड़ जाते हैं, यहाँ तक के इसके कानों से भी निकल जाते हैं। जब अपने पाँव धोता है तो इसके पाँव के गुनाह झड़ जाते हैं, यहाँ तक के नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। और फरमाया, फिर इसका मस्जिद जाना और नमाज पढ़ना इस पर मजीद होता है। आज की साइंस ने भी ये साबित कर दिया है कि अल्लाह करीम ने सदियों कबल अपने बंदों को अपनी इबादत से पहले जिस वजू को फर्ज करार दिया था, उसके बेशुमार फवायद हैं।